लक्ष्य ऐसा हो जो सारे कल्प में सिर्फ एक बार लिया जाता है, जिसके द्वारा एक-एक जन्म अति सुहेला और श्रेष्ठ बनता हो, उसको परम लक्ष्य कहते हैं। ब्रह्मा बाप ने ऐसा लक्ष्य लिया जो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जैसा कहा, जैसा लक्ष्य दिया, वैसे ही लक्षणों सहित उस लक्ष्य को हासिल किया। तो हम सब भी उस परम लक्ष्य की ओर अपनी नज़र को लगाए रखें और जैसे ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, ऐसे परम लक्ष्य को हम भी हासिल करके दिखाएं। परम लक्ष्य सबसे ऊंचा लक्ष्य होता है। दूसरा, वो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने दिया हो। तीसरा, उसमें ऊंचे से ऊंचे लक्षण वर्तमान में भी दिखाई देते हों और भविष्य की मूर्तियों से भी वो झलकता हो। ऐसा लक्ष्य तो पहला हम देखें कि क्या हमने ऐसा ऊंचा लक्ष्य रखा है। हर जन्म का बहुत छोटा लक्ष्य होता है, किसी को डॉक्टर बनने का, किसी को इंजीनियर, किसी को कोई राजनीतिज्ञ या किसी को सन्यासी आदि। लेकिन क्या किसी ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि हम मनुष्य से देवता बन जाएं, जो हर कल्प द्वापर युग से लेकर अंतिम दिन तक ड्रामा के भगत हमारी पूजा ही करते रहें। हर जन्म द्वापर से लेके अंत तक, तो ऐसा ऊंचा लक्ष्य हमें ऑलमाइटी बाबा ने दिया है। हम उस लक्ष्य को पूरे सिद्धत के साथ, पूरे 20 नाखूनों का जोर लगाकर उस लक्ष्य को हासिल करें, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। ऊंचा लक्ष्य क्या होता है? शरीर में आत्मा रहती हो, लेकिन शरीर से न्यारी, शरीर वाली दुनिया के संबंध में आती हो, लेकिन फिर भी संबंध से निर्बंधन हो। कितना ऊंचा लक्ष्य है कि शरीर में रहते आत्मा निराकारी स्वरूप का अनुभव करे और अपने फरिश्ते स्वरूप में ही खोई रहे। एक एक शरीरधारियों के संबंध में आते, उससे भी निर्बंधन रहती हो। ऐसा लक्ष्य कौन दे सकता है? स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव परमपिता परमात्मा ही दे सकता है ना। तो ऐसा लक्ष्य जब से ब्रह्मा बाप को मिला, ब्रह्मा बाप ने धुन लगा दी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और जो भी संबंधी आसपास हैं, फिर वो लौकिक हों या अलौकिक हों, ऐसी धुन लगाई कि ये भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो जब हम ऐसा ऊंचा लक्ष्य की धुन लगा लेते हैं, उसे परम लक्ष्य कहते हैं। तो हमें भी निरंतर आत्मिक रूप, आत्मिक स्वरूप, आत्मिक भाव, आत्मिक बोल, आत्मिक रूप से ही लेन देन करना, अर्थात आत्माओं से ही व्यवहार
करना, इसको कहते हैं ऊंचा लक्ष्य। ऐसा लक्ष्य हमारे लिए ऊंचते ऊंच भाग्य के दरवाजे खोल देते हैं। अंडरलाइन, ऐसा लक्ष्य ऊंचे ते ऊंच भाग्य के दरवाजे खोल देते हैं। वर्तमान में भी जब ऐसा लक्ष्य लेकर चलते हैं, आत्मा खुशी में लहराती है, आत्मा खुशियों में झूमती है, आत्मा खुशियों में झूलती है, आत्मा खुशियों में उड़ती है, आत्मा खुशियों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। इतना वर्तमान में ऐसे लक्ष्य लेने वाली आत्मा को महसूस होता है। इसलिए ब्रह्मा बाप सदैव खुशी में झूलते हुए दिखाई देते थे, सदा खुशियों में ही लहरा रहे हैं, ऐसी उनसे भासना आती थी। तो हम सब भी अपने पूरे ब्राह्मण परिवार को ऐसा अनुभव अपने से कराएं, जैसे ब्रह्मा बाप ने उस समय की आत्माओं को कराया, तो क्या हम ऐसा ही लक्ष्य अपने अभी वर्तमान के ब्राह्मण भाई बहनों को नहीं करा सकते? अरे, इसमें बहुत सुख है, इतना सुख है कि इस सुख के आगे भविष्य सत्युग का सुख भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सुख अति श्रेष्ठ है। जब हम आत्मा होकर रहते हैं तो शरीर से संपूर्ण निर्बंधन होने के कारण न पुराना स्वभाव खींचता है, न पुराने संस्कार खींचते हैं, न पुराना कोई भी कीचड़ पट्टी आकर्षित करती है। तो बताओ क्या बचा? एकदम फूल जैसा स्वभाव, अंडरलाइन, एकदम खुशबूदार फूल जैसा स्वभाव, एकदम पावरफुल नित्य निर्बंधन होकर उड़ने का अनुभव, अंडरलाइन, एकदम निर्बंधन होकर उड़ने का अनुभव, पूरा दिन खुशी के झूले में झूलने का अनुभव, कितना श्रेष्ठ है। बार बार भविष्य रूप ऐसे दिखाई देगा कि बस एक कदम उठाऊं और मैं ये बना कि बना, और भविष्य रूप आंखों के सामने ही होगा, जैसे वो कह रहा हो मैं आप में समाने आ रहा हूँ, मैं आप में समाने आ रहा हूँ। कितना अच्छा लगता है ना, जब भविष्य स्वरूप को हमारे में समाने के लिए हमसे ही पूछना पड़ता है, मैं आऊँ, मैं आऊँ। कितना अच्छा लगता है। ऐसा ही ब्रह्मा बाप को श्री कृष्ण का स्वरूप खींचता था, और बार बार ब्रह्मा बाप इतने बड़े उम्र के बुजुर्ग होते हुए भी छोटे कृष्ण का अनुभव करने लगते। तो ऐसा ही हमारा भी ईष्ट स्वरूप हमारे आँखों के सामने हो, या यूं कहें आँखों में ही समाया हुआ हो, तो हमारा वो लक्ष्य हमें बार बार, हमें भी छोटा सा वो ईष्ट रूप अनुभव कराएगा। वही रूप, वही स्वरूप हमें बार बार खींचेगा, और वो स्वरूप तो सतो प्रधान है ना, वो स्वरूप तो 16 कला संपन्न
मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप है ना, तो खींचेगा ना, और वो स्वरूप में ही आप खो जाते हो। तो बताओ हमारे भाई बहन, बिल्कुल हमें ब्रह्मा बाप जैसा अनुभव होगा, जैसे वो अपने स्वरूप में ही खोए रहते कि मैं नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, मैं श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसा ही आपको पल पल अनुभव होगा, हाँ मैं वही ईस्ट बनने वाली आत्मा हूँ, हाँ मैं वही ईस्ट स्वरूप हूँ। कितना अच्छा लगता है ना। तो ये है ऊंचा लक्ष्य, जिससे हर जन्म सुहेले हो जाते, क्योंकि 2500 वर्ष देवता बन के रहना ये कोई कम बात तो नहीं है ना। 20 जन्म देवताई शरीर हासिल करना, वो भी सतोप्रधान, ये कम तो नहीं है ना। इसलिए इसे ऊंचा लक्ष्य कहते हैं, या यूं कहें ये परम लक्ष्य हो जाता। दूसरा है कि लक्ष्य किसने दिया है? स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव परम पिता परमात्मा ने। जब भगवान ही इतना ऊंचा लक्ष्य दे रहा हो, तो बताओ वो लक्ष्य कितना मीठा होगा। वो तो गुणों से भरपूर लक्ष्य होगा ना, वो तो मौजों से भरपूर लक्ष्य होगा ना, वो तो शक्तियों से भरा हुआ लक्ष्य होगा ना, जिसमें शांति सुख पवित्रता समाई हुई होगी ना। तो ऐसा लक्ष्य परम पिता परमात्मा ने आते ही दिया है। हे देव कुल की आत्मा, तुम्हें फिर से देव कुल की आत्मा बनना है। हे देवत्व को प्राप्त करने वाली आत्मा, आप सबको फिर से देव पद प्राप्त करना है। ये शब्द ऑलमाइटी के कानों में पड़ते ही पूरे शरीर में जैसे एक झनझनाहट होती है, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि इतना ऊंचा लक्ष्य जिसकी पूजा हम करते आए, जिसकी हम साधना आराधना प्रार्थना करते आए, वो मुझे ही बनना है। तो होश तो नहीं रहेगा ना, रूहानी खुशी चढ़ जाएगी ना, रूहानी खुमारी में आत्मा झूमने लगेगी ना। ऐसा ऊंचा लक्ष्य हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। क्या किसी पिता ने ऐसा लक्ष्य दिया है कि सारी ही दुनिया सोने की हो और उसमें हम राज्य करते हों? क्या 84 जन्मों में किसी पिता ने दिया? ये तो ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव परमपिता परमात्मा का ही लक्ष्य है जो हमें मिला हुआ है। ऐसा लक्ष्य को ब्रह्मा बाप ने हाथों हाथ लिया और उस लक्ष्य में ही खोए रहे कि मैं कौन हूँ और मुझे बनाने वाला कौन है। यही लक्ष्य हमें भी रखना है, मैं कौन और मेरा कौन, मैं कौन और मुझे ऐसा बनाने वाला कौन। तो कितना रूहानी नशा चढ़ेगा ना। ऐसा लक्ष्य हमें तुरंत हाथों हाथ लेना चाहिए जैसे ब्रह्मा बाप ने लिया, और सब लक्ष्य इस लक्ष्य के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। तो हमें रूहानी लक्ष्य को हाथों हाथ लेना है कि हाँ बाबा,
हम ये बनकर ही दिखाएंगे। हाँ मीठे बाबा, हम ये बने कि बने और बनकर आपके पास आए कि आए। कितना मज़ा आता है ना। तो ऐसा लक्ष्य बिल्कुल ब्रह्मा बाप की तरह हमें भी ऑलमाइटी द्वारा मिला हुआ है, तो क्यों नहीं हम पूरे ऑलमाइट के साथ यानी पूरी माइट के साथ हम इस लक्ष्य को हासिल कर लें और पूरे कल्प को सुहेला बना दें। क्योंकि ऊंच पद पर बैठी आत्मा पहले जन्म से हर जन्म ऊंच पद पाती रहती है, पाती रहती है, पाती रहती है। युग बदलता रहता है, ऊंच पद बना रहता है। अंडरलाइन, युग बदलता रहता है लेकिन ऊंच पद बना रहता है। सत्ययुग में भी ऊंचे ते ऊंचे हम बनेंगे, त्रेता युग में भी ऊंचे ते ऊंचे हम बनेंगे, द्वापर युग में भी ऊंचे से ऊंचे हम बनकर ऊंचे से ऊंची हमारी पूजा करवाएंगे, और कलयुग में भी ऊंचे ते ऊंच संस्कारों वाली रहते पूजा करवाते ही रहेंगे। और संगम आते आते तो फिर से ऊंचे ते ऊंचे बाप से मिलन होते ही मीठा ऊंचा लक्ष्य मिल जाएगा और दोबारा उस इतिहास को हम दोहराएंगे, अर्थात दोबारा हम मनुष्य से देवता बनने का इतिहास दोहराएंगे। अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये इतिहास बाद में शास्त्रों में छपता जाएगा, क्योंकि हमारे गुण, हमारी स्तुति और हमारे ही बारे में श्लोक आदि शास्त्रों में लिखे होंगे। कितना अच्छा लगता है ना कि इतिहास रचते रचते हम शास्त्रों के पात्र बन जाएंगे। अंडरलाइन, इतिहास रचते रचते हम शास्त्रों के पात्र बन जाएंगे। तो ऐसा ऊंचा लक्ष्य ऑलमाइटी बाबा ने दिया है। तीसरा, ऐसे लक्ष्य के जब लक्षण आने लगते हैं तो आत्मा अपने होश में नहीं रहती, क्योंकि रूहानी खुमारी, रूहानी नशा नारायणी नशे में बदल जाता है और फिर आत्मा बार बार उस स्वरूप का अनुभव करती है, उस स्वरूप में खो जाती है, उस स्वरूप को महसूस करती है, उस स्वरूप को छूती है। अरे स्वरूप खुद उस आत्मा को छूता है। कितना अच्छा लगता है ना। तो ऐसा ऊंचे लक्षण आते ही संगम युग पर ही हम सबसे न्यारे और सर्व के प्यारे दिखाई देने लगते हैं, कि शरीर में होते ये आत्मा निर्बंधन है, शरीर वाली दुनिया में व्यवहार करते भी ये आत्मा कर्म के संबंध में है, बंधन में नहीं। अंडरलाइन, कर्म के संबंध में है, कर्म के बंधन में नहीं। जब हम कर्म के संबंध में होते हैं तो बिल्कुल ऐसा है कि रात को सो गए, अच्छा अच्छा लक्ष्य का स्वप्न देखा, ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिलन का स्वप्न देखा और सुबह जागने पर बस वही बार 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 बुद्धि को ओरिजिनल बाबा, ओरिजिनल अनुभूतियों में खोए रहने का अनुभव कराता हो। देखा स्वप्न में है
लेकिन सब कुछ हकीकत में बदलता जाता हो। तो कर्म के संबंध में आए, बंधन में नहीं, इसलिए स्वप्न भी देखा और हकीकत में बदल गया। तो कैसा पुरुषार्थ, खेल होगा ना, अपने आप ही जो चीज होती हो उसे पुरुषार्थ नहीं कहते, खेल कहते हैं। खेल क्योंकि अपने आप ही मोहब्बत हो रही है ऐसे ऑलमाइटी बाबा से, और जहां मोहब्बत है वहां मेहनत तो नहीं होती ना। तो ऐसा अनुभव हमें लक्षण को हासिल करते ही होने लगेगा, और हम भी हूबहू ब्रह्मा बाप की तरह अपने ईष्ट स्वरूप को महसूस करने लगेंगे, उसकी बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वैश्य अवस्था का अनुभव करने लगेंगे। डबल सरताज, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप का अनुभव करने लगेंगे। कैसा लगता है ना, बस ऐसे स्वरूप में खोए रहेंगे। इसको ही परम लक्ष्य कहा जाता है। तो हमारे प्यारे भाई बहन, बस ऐसे ऊंचे लक्ष्य के साथ, ऐसे ऊंचे ते ऊंचा लक्ष्य जो ऑलमाइटी बाबा ने दिया है, उसको 20 नाखूनों का जोर लगाकर हासिल करना, और ऐसे लक्षणों में ही खोए रहने वाली आत्मा को परम लक्ष्य हासिल हो जाता और परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी हम वो स्वरूप बन जाते हैं, हर कल्प की तरह दोबारा इतिहास रचते हुए शास्त्रों के पात्र बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।